फैक्ट न्यूज लाइव के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फैक्ट न्यूज लाइव की सभी नई वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंप यार्ड के एक हिस्से के अचानक गिर जाने की वजह से दो लोगों के मारे जाने की खबर है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत बचाव कार्य की निगरानी के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें स्थिति की जानकारी दी। आपको बता दें कि दिल्ली में ठोस कचरे के उठान से लेकर उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित नगर निगम के अधीन है। गाजीपुर के इस लैंडफिल की ऊंचाई 50 मीटर पर है और 3 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को एक वैकल्पिक लैंडफिल के लिए MCD को जमीन देने के लिए कहा था। लेकिन ये अलग बात है कि DDA केंद्रीय मंत्री और BJP नेता विजय गोयल को एक खिलौना फैक्ट्री बनाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर जमीन आवंटित कर देता है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए बनने वाले स्कूल अस्पतालों आदि के लिए ना तो दिल्ली सरकार को ही DDA जमीन देता है और ना ही कूड़ा डालने के लिए ही DDA के पास जमीन है। दिल्ली की जनता के भले के लिए BJP की एजेंसियों के पास जमीन है ही नहीं। ऐसी दुर्घटना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बेहुदा राजनीति से बाज नहीं आ रही है और अपनी नाकामी का ठीकरा दिल्ली सरकार के सिर फोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले 10 साल से MCD में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 3 साल से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही है। MCD भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और DDA भी, लेकिन BJP काम करने की बजाय सिर्फ राजनीति कर रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने लगती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे ने एक वीडियो के जरिए कैसे MCD में बैठी BJP के निकम्मेपन की बखिया उधेड़ कर रख दी। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, DPCC से कहते हम, MCD द्वारा चलाई जाने वाली 3 लैंडफिल साइट्स को गलत करार दिया जा चुका है। जो स्टिपुलेटेड हाइट होनी चाहिए उन साइट्स की, वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी हैं। और बरसात का मौसम है, अगर आप नॉर्म्स को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके लैंडफिल साइट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और दुर्घटना होती है तो ऑब्वियसली BJP जिम्मेदार है, MCD जिम्मेदार है। MCD से जुड़ी ऐसी दुर्घटनाओं के प्रति भाजपा को जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कचरे के उठान से लेकर उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भाजपा शासित MCD की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के नेता अपनी जिम्मेदारी से पहले भी भागते थे और आज भी भाग रहे हैं।